दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बिना किसी को जोड़े वेस्टेज में पैसा कैसे कमाएं। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप वेस्टेज में किसी को जोड़े बिना भी आप इनकम कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपने सही सुना, बिना किसी को जोड़े वेस्टेज में पैसा कमाना। क्योंकि अगर हम बात करें वेस्टेज की, तो आपके दिमाग में एक ही कुछ सवाल आता है कि भाई वेस्टेज वेस्टेज मतलब वही मेंबर बनाने वाला, वही लोगों को जोड़ने वाला। तो आज मैं आपको ऐसा प्लान बताने वाला हूँ जिसमें आपको किसी भी ज्वाइनिंग नहीं करनी है, उसके बावजूद भी आप इनकम कर सकते हैं। तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम वेस्टलिस्ट से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। अगर हम बात करें हमारी ज़रूरत का सामान का, तो हमारी ज़रूरत का सामान हम कहाँ से लाते हैं? कहीं ना कहीं दुकान से, या मॉल से, या ऑनलाइन से। जितना भी पैसा हम कमाते हैं उसका लगभग 70% पैसा हम अपनी ज़रूरत के सामान में खर्च कर देते हैं। जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे से क्या कभी आपको इनकम हुई है? नहीं। जो भी हम सामान लाते हैं वो हमारा खर्चा है। अगर मैं बात करूं कि आपका जो खर्चा है उसी से आपको इनकम होने लग जाए, उसी से आपको पैसा आने लग जाए, तो कैसा रहेगा? आप ज़रूर सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। तो दोस्तों ये संभव है, और 21वीं सदी में हमारे सामने बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ वेस्टिज की। तो वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और आपकी ज़रूरत के सामान ये कंपनी बनाती है और ये डायरेक्टली आपको दे देती है। तो इससे होता क्या है कि बीच का जो कमीशन जाता था किसी और को, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता था, वो खर्चा कंपनी सेव करके उसको बचा कर वो पैसा आपको वापस दे देती है। इसलिए आपको इस कंपनी से सामान लेने पर इनकम हो सकती है। पर यह मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी को जोड़ना है। एक कंज्यूमर होने के नाते आप कैसे पैसा कमा सकते हो उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। हम क्या होते हैं? हम कंज्यूमर होते हैं। हम अपनी ज़रूरत का सामान हर महीने लाते हैं, पर उस ज़रूरत के सामान से आज तक हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि उस ज़रूरत के सामान से किसी और का घर चलता है। हम जाते हैं पैसा कमाने, और पैसा कमाने के बाद हम लगभग 70% पैसा बिचौले को बांट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, हम तो हमारी ज़रूरत का सामान लाते हैं। हाँ, आप अपनी ज़रूरत का सामान लाते हो, पर जो ज़रूरत का सामान आप लाते हो उसमें किसी ना किसी का कमीशन ज़रूर होता है, क्योंकि जो सामान आप लाते हो वो उतने में नहीं बनता जितने में आप ला रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका मेहनत का पैसा किसी और के पास जा रहा है, और उसी कारण वो बीच वाले लखपति करोड़पति हैं, और वो जो कंज्यूमर था वो कंज्यूमर ही रह गया। इसलिए तो उसको बोलते हैं कस्टमर, कष्ट से मर। तो अगर हम वेस्टी से सामान लें, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सामान लें, तो हमें क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले हमें फ़ायदा होता है, पहला रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट मतलब 10 से 20% डिस्काउंट, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20% डिस्काउंट MRP पर, जो कि आज तक कहीं से भी नहीं मिल रहा था। दूसरा फ्री प्रोडक्ट। आज हम जहाँ से भी सामान लाते हैं क्या वो आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं? नहीं देते, पर वेस्टिज आपको 10% फ्री प्रोडक्ट देती है। 1 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप सामान लेते हैं तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तीसरा परफॉर्मेंस बोनस। क्या आपको कभी कैशबैक मिला है? कैशबैक का मतलब कि जैसे हम गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम का उपयोग करते हैं, तब हमें कैशबैक मिलता है। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तब कुछ ना कुछ कैशबैक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, हमें वापस आ जाता है। तो ऐसा पैसा क्या आपको कभी आपकी खरीद से हुआ है? नहीं हुआ, पर आपको यहाँ पर वेस्टिज 5 से 11% तक का कैशबैक आपके अकाउंट में हर महीने की 10 तारीख को देती है। तो हमें सामान कहाँ से लेना चाहिए, वेस्टिज से या किसी और दुकान से? क्या आपको ये फ़ायदा किसी और दुकान से होता है क्या? अगर आप अपनी आईडी लगाते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका 1 रुपया भी नहीं लगता, और उसके बाद अगर आप 1200 रुपये का सामान लेते हो तो आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है, तो आपकी जो 1200 रुपये का सामान था वो आपको मिलेगा 1000 रुपये में। तो यहाँ पर डीलर प्राइस हुई आपकी 1000 रुपये। अगर हम बात करें रिटेल प्रॉफिट की, हमें रिटेल प्रॉफिट में हमें डायरेक्ट 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। फिर हम बात करें फ्री प्रोडक्ट की, तो फ्री प्रोडक्ट में हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बोनस की, तो यहाँ आपको 30 रुपये मिले आपके खरीद के हिसाब से। 1000 रुपये के सामान खरीदने पर आपको 5% कैशबैक आया, तो 30 रुपया, तो मतलब पहले ही खरीद पर आपको 330 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरा कैशबैक मुझे कैसे मिलता है? आप तो बता रहे थे कि 11% तक आएगा, तो वो 11% कैसे बढ़ता है और नई इनकम कैसे आती है? तो उसके लिए ये टेबल है। इस टेबल के हिसाब से हमारी इनकम बढ़ती है और हम डायरेक्टर बन सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर आपका मिनिमम 1 PV है,
तो एक पीवी वेस्टेज में एक पीवी मतलब 30 रुपया, जब हम 30 रुपये खर्च करते हैं तब हमें एक पीवी मिलता है। तो अगर आपने एक पीवी से लेके 599 पीवी किए तब आपकी लेवल होगी 5% और आपको कैशबैक मिलेगा 5% का। अगर आपका पीवी 600 है या 600 से लेके 2399 पीवी होंगे तब आपको मिलेगा 8% कैशबैक। जब आपका पीवी 2400 से लेकर 5499 होगा तब आपको मिलेगा 10% कैशबैक। जब आपका पीवी 5500 से ज़्यादा होगा तब आपको मिलेगा 11% का कैशबैक। और यहाँ पर आप डायरेक्टर बन जाते हो और यहाँ पर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर कहलाते हो। इस पर आपको 4% एक्स्ट्रा कंपनी देती है। अगर आप वेस्टीज के साथ रेगुलर कस्टमर बनते हो और रेगुलर सामान लेते हो तो उसमें क्या फ़ायदा होता है जान लेते हैं। हम अपनी ज़रूरत का सामान लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का सामान हर महीने लाते हैं, पर क्या आपकी ज़रूरत के सामान से आपको कभी इनकम हुई? क्या आने वाले समय में होगी? नहीं होगी, पर यह हमारा खर्चा है क्योंकि हम ज़रूरत का सामान कहीं ना कहीं से ला रहे हैं और वो सामान खरीदने से हमारा खर्चा बढ़ता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपने खर्चे को इनकम में बदलने की। MRP पर 3600 का सामान खरीदा तो आपको मिलेगा 3000 का, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा 10-20%, उसके हिसाब से 600 रुपये आपको मिलेंगे फ्री प्रोडक्ट मैक्सिमम 10%, आपने यहाँ पर बचाए 300 रुपये। फिर है परफॉर्मेंस बोनस 100 रुपया, 3000 के सामान खरीदने पर लगभग आपको 1000 रुपये का फ़ायदा होगा। और कंपनी बोलती है कि अगर आप रेगुलर कस्टमर हो, एक लॉयल कस्टमर हो वेस्टिज के, तो अगर आप 3000 का सामान 4 महीने खरीदते हो मतलब कि 12000 का, तो कंपनी आपको 5वें महीने फ्री 2500 का प्रोडक्ट फ्री में देती है, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट वाउचर। और ये 2500 का सामान आप वेस्टिज से फ्री में ले जा सकते हो 5वें महीने। और ये प्रोडक्ट आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर हम देखें, जब हम हर महीने 3000 का सामान खरीद रहे थे तब हमें 1000 का फ़ायदा हो रहा था, तो 1000 × 4 तो 4000, और 2500 का प्रोडक्ट जो हमें फ्री में मिले हैं, तो अगर हम टोटल देखें तो हमें फ़ायदा हुआ 6500 रुपये का। और अगर हमें 6500 रुपये का फ़ायदा होता है 5वें महीने, तो ऐसे हम साल में 3 बार प्रोडक्ट ले सकते हैं फ्री के, तो टोटल 6500 × 3, तो एक साल में हम 19500 रुपये बचा सकते हैं वेस्टिज से। तो दोस्तों ऐसे करके आप इनकम कर सकते हैं वेस्टी से। यहाँ पर आपने सिर्फ अपना सामान खरीद कर 19500 रुपये बचाए। यहाँ पर आपने किसी को जोड़ा नहीं, किसी की आईडी नहीं लगाई, बस जो सामान कहीं और से ला रहे थे वहाँ से ना लाकर आपने सामान यहाँ से ले लिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या अपने डाउनलाइन और टीम को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी जान पाए कि कैसे हम इनकम कर सकते हैं सिर्फ सामान खरीद कर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टी से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं।